लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम एड्स कैचमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि नेचुरल सेटिंग्स हमें क्या करना चाहिए। सिंपल हम अब हम नेक्स्ट करेंगे, और हम हमारा जो अब नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा एड ग्रुप। यानी एड ग्रुप के सेक्शन में हमने कीवर्ड्स को डिफाइन करना होगा कि किन कीवर्ड्स पर हम ऐड चलाना चाह रहे हैं, और हमने ऐड कॉपी जो है वो बनाना होगी। तो हम कीवर्ड्स का काम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि हमने अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में की थी, और अपने लिए हमने कीवर्ड्स जो है वो रिसर्च करके कीवर्ड प्लानिंग के थ्रू जो है वो निकाल लिए। तो सिंपली लेट सपोज कि हम वेब डेवलपमेंट सर्विसेज के कीवर्ड पर जो है वो हम ऐड रन करना चाह रहे हैं। हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया, अब एड ग्रुप का नाम भी हम यही रखेंगे कि जो हमारा कीवर्ड है उसी को हम जो है वो एड ग्रुप का जो है वो नाम रख सकते हैं। ताकि अगर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट एड ग्रुप्स हों तो हमें बाद में मॉनिटरिंग करने में नाम से ही उसको आसानी। और सिंपल हम एंटर कीवर्ड में जिस कीवर्ड के अगेंस्ट हम ऐड अपेयर करना चाह रहे वो कीवर्ड यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अच्छा, अगर आप जो कि हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारे पास थ्री टाइप्स के जो है वो कीवर्ड होते हैं, ब्रॉड मैच कीवर्ड होता है, फ्रेज मैच कीवर्ड होता है, और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड होता है। अगर आप यहाँ पर कोई साइन नहीं ऐड करेंगे कीवर्ड्स के स्टार्ट में और कीवर्ड्स के एंड में, ठीक है, जैसे ये फ्रेज मैच हो गया जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, और इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि एक एग्जैक्ट मैच होता है, ठीक है, फिर मैं साइन डाल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई साइन यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे और अपने कीवर्ड को ऐसे ही रहने देंगे तो गूगल इसको कंसिडर करेगा ब्रॉड मैच, और वो ब्रॉड मैच कीवर्ड पर आपके एड्स को स्टार्ट कर देगा। जब वो ब्रॉड मैच पर आपके एड्स को अपेयर करेगा तो बहुत ज़्यादा इररेलीवेंट सर्चेस भी आपके पास आ रही होंगी, यानी इररेलीवेंट ट्रैफिक भी आपके पास आ रही होगी, जो कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज कर रही होगी और आपकी कैंपेन का क्वालिटी स्कोर कम कर रही होगी। सो टू मेंटेन क्वालिटी स्कोर और अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज रखने के लिए आप अपने कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच पर ही जो है वो चलाएंगे। यानी अब क्या होगा कि जब भी कोई भी बंदा वेब डेवलपमेंट सर्विसेज का कीवर्ड सर्च करेगा तो ही आपकी कैंपेन का एड उसके सामने नजर आएगा, ठीक है। तो हमारा कीवर्ड यहाँ पर क्या है, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज। इस कीवर्ड के अगेंस्ट हम जो है वो अपना एड जो है वो दिखाएंगे। फाइनल यूआरएल में हमारा लैंडिंग पेज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक लैंडिंग पेज है जहाँ पर हम अपना जो भी बंदा सर्च करता है वेब डेवलपमेंट सर्विसेज और उसको हमारा ऐड नज़र आता है, तो हम चाहते हैं कि वो इस लैंडिंग पेज पर जो है वो रीडायरेक्ट हो जाए। तो हम ये वाला लैंडिंग पेज का यूआरएल कॉपी करेंगे और यहाँ पर फाइनल यूआरएल में जो है वो डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद आ रहा है डिस्प्ले पाथ। अच्छा, डिस्प्ले पाथ क्लिकेबल नहीं होता, यानी इस पर बंदा क्लिक नहीं कर सकता। हम डिस्प्ले पाथ पे कोशिश यही करते हैं कि जो हमारा कीवर्ड है वो कीवर्ड हम अपने डिस्प्ले पाथ में जो है वो ऐड कर दें, ताकि हमारा क्वालिटी स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना कीवर्ड कॉपी करेंगे, ठीक है, और इस डिस्प्ले पाथ में यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो कीवर्ड है वो काफ़ी लंबा है, तो और यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट सिर्फ 15 कैरेक्टर लिमिट्स की है, तो मैंने इसको सर्विसेज हटा दिया और वेब डेवलपमेंट यहाँ पर कर दिया और सर्विसेज यहाँ पर कर दिया। तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो अपेयर हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपेयर यहाँ पर हो गया। तो अभी तक हमने ये देखा कि हम कीवर्ड एग्जैक्ट मैच रखेंगे, फाइनल यूआरएल में क्या रखना है, डिस्प्ले पाथ में क्या रखना है। अब हम आते हैं हेडलाइंस पर, यानी हमारी जो एड्स होते हैं, लेट्स सपोज कि यहाँ पर
मैंने कीवर्ड सर्च किया वेब डेवलपमेंट यूके, तो आप ये देख रहे होंगे ये ऐड अपेयर हो रही है, ठीक है, ये हेडलाइंस आ रही है, एक हेडलाइन एक हेडलाइन एक हेडलाइन एक हेडलाइन। तो इस तरीके की जो एड हैं वो हम किस तरीके से बना सकते हैं वो अब हम यहाँ पर बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही कोशिश करूँगा कि मेरा क्वालिटी स्कोर जो हमने स्टार्टिंग के वीडियोज में जो है वो बात की थी क्वालिटी स्कोर की, टू इम्प्रूव क्वालिटी स्कोर हम अपना कीवर्ड जो है वो अपनी हेडलाइंस में जो है वो मेंशन करेंगे। तो हमारा कीवर्ड है वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, तो हम इस कीवर्ड को अपने हेडलाइन में जो है वो मेंशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट लेटर हो वो कैपिटल में, ठीक है, वेब डेवलपमेंट सर्विस। इसके आगे हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लेट्स सपोज चीप वेब डेवलपमेंट सर्विस, या हम ये भी कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट सर्विस जस्ट $100, ठीक है, और हम ये भी कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट सर्विसेज बेस्ट वेब डेवलपमेंट सर्विसेज। तो मैंने क्या किया, अपना जो कीवर्ड है वो अपने हेडलाइंस में उसको ऐड कर दिया, जो मेरा कीवर्ड था जो कि मेरा टारगेटेड कीवर्ड है उसको मैंने डिस्प्ले पाथ में भी ऐड किया और अपनी हेडलाइन में भी जो है वो इसको ऐड कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने तीन हेडलाइंस यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारा ऐड जो है वो डेस्कटॉप पर इस तरीके का नजर आएगा, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो तीनों लाइंस हैं इन तीनों लाइंस में से कोई एक लाइन हमेशा यहाँ पर नजर आए, ये फर्स्ट पर नजर आए। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर देखें पिन आ रहा है, मैं इसको शो ओनली पोजिशन बंद कर दूंगा, तो जब भी मेरा ऐड अपेयर होगा इन तीनों में से कोई एक हेडलाइन जो है वो फर्स्ट पर जो है वो नजर आएगी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार हेडलाइन टू पे क्या आना चाहिए, क्या आएगा, हेडलाइन थ्री पर क्या आएगा, तो उसके लिए मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ कि हेडलाइन वन पर तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा टारगेटेड कीवर्ड है उसको हम यूज कर लें, ठीक है, किसी भी एडजेक्टिव के साथ या किसी भी वर्ड के साथ। हेडलाइन टू एंड थ्री में हम अपनी यूएसपीज यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ऐड करते हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं कि जो आपकी साइट पे विजिटर आ रहा है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर्स है, जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके पोटेंशियल क्लाइंट को, आपके विजिटर को आपकी क्लाइंट में कन्वर्ट होने में मददगार साबित होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि 16,000 हैप्पी कस्टमर्स, या एक यूनिक पॉइंट ये भी हो सकता है कि अवार्ड विनिंग कंपनी, ठीक है, या एक यूनिक सेलिंग पॉइंट ये भी हो सकता है कि फ्री ऑडिट सर्विसेज, ठीक है, या एक यूनिक पॉइंट ये भी हो सकता है, यूएसपी हम ये भी कर सकते हैं, कोई डिस्काउंट ऑफर दे सकते हैं कि भाई 20% डिस्काउंट ऑफर, ठीक है, तो ये तमाम हमारे यूएसपीज भी हो सकते हैं, ये हमारे सारे जो है वो बुक भी हो सकते हैं कि बंदा जो है वो आपके ऐड पर जो है वो क्लिक करने के लिए जो है फौरन आपकी वेबसाइट पर जो है क्लिक करे। तो ये तमाम यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हम जो है अपने ऐड में जो है यहाँ पर अपनी ऐड कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर ऐड करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो है आपका ऐड जो है वो अपेयर जो है
वो हो रहा होगा, तो हमने हेडलाइंस भी लिख ली। अब हम चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं कि यार ये वाली हेडलाइन जो है वो हमेशा सेकंड नंबर पर जो है वो नजर आए, हम ऐसा भी कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से हटा दें और गूगल को खुद डिसाइड करने दें कि सेकंड और थर्ड लाइन पे कौन सी जो है हमारी हेडलाइन जो है वो आना चाहिए। आप चाहें तो किसी भी हेडलाइन को, आप चाहें कि यार ये जो 20% सेकंड ऑफर है ये हमेशा सेकंड पोजीशन पर आए, और जो 16,000 कस्टमर्स हैप्पी कस्टमर्स वाली जो हेडलाइन है ये भी जो है वो सेकंड नंबर पर आए, तो गूगल क्या करेगा इन दोनों को जो है सेकंड नंबर हेडलाइन के लिए जो है वो शफल हमेशा करता रहेगा, और बाकी हेडलाइंस पर आप जो है या तो आप शो ओनली ऑन इन पोजीशन 3 कर दें या इसको जो है ऐसी ब्लैंक छोड़ दें, तो गूगल खुद जो है वो इन इस थर्ड ये जो ब्लैंक होंगी इनको ऑटोमेटिकली जो है वो थर्ड हेडलाइन पर जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि मोबाइल पे कैसा दिखेगा तो मोबाइल पर जो है वो इस तरीके से दिखेगा, और आप देख सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट सर्विसेज $100 ये वाली फर्स्ट हेडलाइन थी, तो फर्स्ट हेडलाइन पर आ रहा है, सेकंड हेडलाइन पर हमने 20% डिस्काउंट ऑफर लिखा था तो वो ये आ रहा है, अवार्ड विनिंग हमने कोई हेडलाइन नहीं लिखी तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो थर्ड पोजिशन पर आ रहा है। तो यहाँ से जो है आप पिन का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और कोशिश आपने यही करनी है कि अपना ऐड को अट्रैक्टिव बनाएं, अपने ऐड में जो है वो जो आपका सेलेक्टेड कीवर्ड है उसको ज़रूर यूज़ करें ताकि आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो इम्प्रूव रहे। अच्छा, डिस्काउंट ऑफर अगर आप ऐड कर रहे होंगे तो आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा है, अगर आपके क्लिक थ्रू रेट इम्प्रूव होता है तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो क्वालिटी स्कोर जो है वो इम्प्रूव होगा, और जब क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव होगा तो आपकी स्पेंडिंग कम होगी और आप ट्रैफिक जो है अपनी वेबसाइट पर जो है ज़्यादा लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट सेशंस में जो है लास्ट वीडियोस में जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है वो कवर किया है। तो कोशिश यही करनी है कि आपका ऐड जो है वो रेलिवेंट हो, आपका ऐड अट्रैक्टिव हो, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक और रेलिवेंट ट्रैफिक जो है वो आपके पास जो है वो आ सके। इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रही है, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी कुछ अट्रैक्टिव सी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, कोशिश यही करनी है कि जो आपका कीवर्ड है वो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो यूज़ करें, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि प्रोवाइडिंग वेब डेवलपमेंट सर्विसेज सिंस लास्ट 5 years having 16,000 happy customers, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। दूसरी भी डिस्क्रिप्शन आप इसी तरीके से जो है बना सकते हैं कि award winning company for web development services offering 20% discounts, और आपने क्या करना है सिंपल इस तरीके से अट्रैक्टिव सी डिस्क्रिप्शन बना के और इसको जो है यहाँ पर ऐड कर देना, तो डिस्क्रिप्शन भी जो है फिर आपके ऐड के साथ जो है वो नज़र आ जाएगी। तो मैंने सिंपल ये किया है कि जो मेरा कीवर्ड था उसको मैंने सिंपल एग्जैक्ट मैच पर रखा, और वही कीवर्ड मैंने अपने डिस्प्ले पाथ में भी रखा है ताकि मेरा ऐड थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाए। फिर उसी कीवर्ड को मैंने क्या किया है कि अपनी हेडलाइंस यानी जो एच जो जो हेडलाइंस है जो कि फर्स्ट पोजीशन पे नज़र आएंगे उसको मैंने पिन करके मैंने यही किया है कि उन हेडलाइंस में जो कि हेडलाइन फर्स्ट पोजीशन पे नज़र आएंगी उनको उसमें मैंने अपना कीवर्ड जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, और अपने ऐड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स और अपनी ऑफर जो है वो डिस्काउंट ऑफर भी जो है वो ऐड कर दिए। तो इस तरीके से आपने ऐड और कीवर्ड्स पर जो है वो सिंपली जो है वो प्ले कर सकते हैं।